जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे दही वाली मंगम्मा, जो कि आपका वर्णिका 2 का यह चैप्टर है। ठीक है, वर्णिका 2 में हिंदी में आपका जो आता है उसमें हमारा पहला चैप्टर जो है दही वाली मंगम्मा। इस चैप्टर से करीब 5 नंबर से 2 नंबर तक का सवाल आपका पूछा जाता है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला हो सकता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है, दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है, मतलब दही वाली मंगम्मा के जो लेखक है वो कौन है। तो आपको याद रखना है ये कौन होते हैं, तो सातकोरी जो है यही लिखे हैं दही वाली मंगम्मा। ठीक है, हमारा पहला सी नंबर जो है वह पहला का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दो नंबर सवाल को देखते हैं। दो नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से आप लोग। दो नंबर सवाल है, श्रीनिवास साहित्यकार है किस चीज़ के, किस भाषा के। ठीक है, श्रीनिवास जी जो हैं वह साहित्यकार हैं, लेकिन किस भाषा के हैं। तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है गुजराती, बी में दिया है कन्नड़, सी में दिया है राजस्थानी और डी में दिया गया है तमिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो हमारा बिल्कुल सही होगा वो हमारा क्या होगा, कन्नड़ भाषा जो है वह श्रीनिवास साहित्यकार के भाषा लिखे थे। ठीक है, श्रीनिवास जो है वह साहित्यकार जो लिखे थे वह कन्नड़ भाषा में लिखे थे, आपको याद रखना है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, दही मंगम्मा वर्षों से वाड़ी में दिया करती थी। मंगम्मा जो है वर्षों से वाड़ी में क्या दिया करती थी, यानी वर्षों से क्या बेचती थी। ठीक है, वही कहने का अर्थ है। तो देखिए, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में दिया है दूध, बी में दिया है चावल, सी में दिया है मछली, डी में दिया है दही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको हमेशा माइंड में बैठा के रखना है, दही वाली मंगम्मा जो थे वह वर्षों से क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। आई मीन हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को हम फ्री में पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, फ्री में पीडीएफ आपको, आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन होता है उसका पीडीएफ दिया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सवाल है नंजम्मा मंगम्मा कौन थी। नंजम्मा जो है और मंगम्मा तो आपको पता है दही बेचती थी, लेकिन नंजम्मा कौन थी। मंगम्मा जो है नंजम्मा की, देखिए कहने का अर्थ है, यह नंजम्मा जो है वह मंगम्मा की क्या लगती थी। तो आपको क्या लगना है याद, आपको हमेशा याद रखना है वह क्या लगती थी, पुत्रवधू थी। ठीक है, पुत्रवधू का क्या मतलब होता है, पुत्रवधू का मतलब होता है उसकी बहन लगती थी। ठीक है, नंजम्मा आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, श्रीनिवास का पूरा नाम जो हमारा होगा वह क्या होगा। तो आपको याद रखना है आर टी वेंकटेश अयंगर। ठीक है, क्या है, आर टी वेंकटेश अयंगर आपको याद रखना है, इसी हमारा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, क्या है मंगम्मा लिखा होगा। ठीक है, मंगम्मा यहाँ पे यहाँ मुआ छूट गया है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखा होगा मंगम्मा, हम लिख दे रहे हैं, एक बार रुक जाओ। चलिए, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो देखिए, आपको हमेशा याद रखना है मंगम्मा जो रहने वाली थी ना, वो आपको हमेशा माइंड में बैठा कर रखना है कहाँ की रहने वाली थी। तो बेंगलुरु में जो वैकंठपुर एक जगह है वहाँ की रहने वाली थी कौन, तो मंगम्मा। ठीक है, मंगम्मा बेंगलुरु के वैकंठपुर में रहती थी, आपको याद रखना है हमेशा, वैकंठपुर यानी क्या होगा बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है हमारा, मंगम्मा और बहू के झगड़े का कारण क्या था। मंगम्मा हमेशा अपने बहू से झगड़ती थी, लेकिन उसका कारण क्या था। तो कारण जो था एकदम सिंपल सा था, क्या था, तो आपको माइंड में बैठा के रखना है, कारण जो थी पोते की पिटाई के कारण मंगम्मा जो है वह अपनी बहू से हमेशा झगड़ती थी। तो याद रखना है, डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, मंगम्मा किस प्रदेश के गांव में की भारतीय नारी है। ठीक है, मंगम्मा किस प्रदेश के गांव की भारतीय नारी है, इसमें से आपको चूज करना है किस देश की थी। ठीक है, किस देश की नहीं, मतलब किस प्रदेश पड़ता है। ठीक है, प्रदेश अलग होता है और देश अलग होता है, तो किस प्रदेश यानी प्रदेश का मतलब होता है कि राज्य। ठीक है, तो किस राज्य की थी, तो आपको माइंड में बैठा कर रखना, मंगम्मा जो थी वह किस राज्य की थी, तो हमेशा माइंड में बैठा कर रखना है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की थी।
आपको माइंड में बैठा कर रखना है। पश्चिम बंगाल में हमारा क्या आ जाता है, तो बेंगलुरु आता है, तो आपको याद रखना है क्या होगा, पश्चिम बंगाल, सी करेक्ट आंसर होगा। यह सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा 9 नंबर सवाल है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, मंगम्मा की बहू का जो नाम था वह क्या था। देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आपको याद रखना है क्या होगा, क्या होगा मंगम्मा की बहू का नाम, तो माइंड में बैठा के हमेशा रखना है नंजम्मा होगा। ठीक है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था गलत साइड आपको, ठीक है, मैंने बोला था कि मतलब बहन लगती, बहन नहीं, नंजम्मा जो है वह मंगम्मा की बहू लगती थी, तो ठीक है आपको याद रखना है। 2 या 3 नंबर सवाल था, आपको याद रखना है नंजम्मा क्या लगती थी मंगम्मा को, बहू लगती थी। और क्या कहा, यहाँ कहा जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो नंजम्मा था, तो हमको क्या याद रखना है, ए नंबर याद रखना है। ठीक है, ए नंबर हमको याद रखना है, ठीक है, नंजम्मा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला है दही कौन बेचती थी, दही कौन बेचती थी, तो दही जो बेचती थी वो आपको हमेशा माइंड में बैठा कर रखना है, कौन बेचती थी, तो मंगम्मा बेचती थी। ठीक है, कौन बेचती थी, तो मंगम्मा बेचती थी दही, आपको माइंड में बैठा कर रखना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, अगला सवाल है गांव में जुआरी कौन था, गांव में जुआरी, जुआरी का होता है जो जुआ खेलता है, आप लोग देखेंगे गांव में नशे के हालत में सभी लोग जुआ खेलते हैं, 4-5 लोग बैठ जाते हैं एक जगह, ठीक है, सभी जुआ खेलते हैं, उसी को कहते हैं, तो आपको याद रखना है जुआरी, गांव में जुआरी कौन था, तो आपको याद रखना है माइंड में हमेशा बैठा के रंगप्पा था, कौन था, रंगप्पा, भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का आपको हमेशा याद रखना है, कौन, रंगप्पा, रंगप्पा क्या था, जुआरी था। चलिए अगला सवाल है, झगड़ा करने से क्या बढ़ती है, झगड़ा यदि होता है तो उससे क्या बढ़ता है, क्या बढ़ती है, तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को, क्या माइंड में बैठा के, तो उससे उम्र जो है ना, हमारी उम्र वह कम जाती है। ठीक है, उम्र होगा, ठीक है, आपको याद रखना है उम्र जो है, यहाँ पे कम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उम्र जो है वह कम जाता है। ठीक है, उम्र जो है वह कम जाता है झगड़ा करने से, तो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, उम्र हमारा कम जाएगा, यदि आप लोग ज़्यादा झगड़ोगे, ज़्यादा बोलोगे, तो उससे हमारा उम्र जो है कम हो जाता है, जिससे हम कुछ ही दिन तक जी पाते हैं। जैसे मान लो आप 50-60 जियोगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा 40 साल तक जियोगे, ठीक है, तो झगड़ा मत किया करो। चलो अगला सवाल है हमारा, सवाल है हमारा 13 नंबर सवाल, क्या है देखिए ध्यान से, सवाल है मेरा सास बहू की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई में मंगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया था, सास बहू की लड़ाई हो रहा था, मंगम्मा के साथ हो रहा था, किसका, नंजम्मा का लड़ाई, तो उसका जो बेटा था मंगम्मा का, वो किसका साथ दे रहा था, वो अपनी बीवी का साथ दे रहा था या फिर अपनी माँ का, तो क्या याद रखना है, अपनी किसकी दे रहा था, तो आपको माइंड में हमेशा बैठा के रखना है, वह दे रही थी अपनी पत्नी की साथ। ठीक है, अपनी पत्नी की, क्या होगा, पत्नी, हमारा सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 14 नंबर ध्यान से देखना, उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और बीच वीडियो को जरा शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग इस क्लास को मिस ना करें, और पीडीएफ उनको भी चाहिए तो आप लोग पीडीएफ जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास है हमारा क्वेश्चन है अगला, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, मतलब लड़ाई तो बहुत दिन हुआ लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलता है लड़ाई, तो बहू और मंगम्मा जो थी वो मिलकर क्यों मतलब एक साथ समझौता कर लिया, साथ रहने का क्यों समझौता किया, तो चलिए देखते हैं वह किस लिए समझौता किया, तो माइंड में बैठा के रखना है प्रेम के कारण, उस दोनों मंगम्मा और रंजम्मा के बीच बहुत प्रेम हो गया। ठीक है, एक दिन ऐसा प्रेम हो गया कि वह कभी लड़ाई झगड़ा को भूलकर हमेशा साथ साथ खाना खाई, साथ साथ रहने लगी। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, क्या होगा, प्रेम से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा 15 नंबर सवाल, ध्यान से देखना, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। ठीक है, कौन था उस आदमी जो लालची था और क्या था, लंपट, लंपट पीर का मतलब होता है कि वह दूसरों की इज्जत पर हाथ डालता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, VVI सवाल होता है, तो माइंड में आपको हमेशा बैठा के रखना है, इसका राइट आंसर जो होगा ना हमारा सी होगा, क्या होगा, रंगप्पा। ठीक है, रंगप्पा बहुत लालची था, जुआरी भी था, और वह दूसरे की औरतों को छेलता था, तो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला है हमारा, इस कहानी की कथा वाचिका कहाँ रहती है। ठीक है, कहने का अर्थ है, सिंपल सा अर्थ, ठीक है, सिंपल सा अर्थ है कि मतलब इस कहानी का जो लेखक है वह लेखक नहीं, इस कहानी का वाचिका का अर्थ होता है कि इस कहानी का पात्र, पात्र मतलब समझते होंगे, इस कहानी में जिस, इस कहानी या कहानी जो है जिसके ऊपर बनाया गया है, जैसे मंगम्मा के ऊपर बनाया गया, तो मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, वाचिका, ठीक है, पात्र, तो याद रखना है मंगम्मा जो थी वह कहाँ की रहने वाली थी, तो माइंड में बैठा के रखना है, वह कहाँ की थी, बेंगलुरु की, कहाँ की थी, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु या बेंगलुरु,
लोल आप कह सकते हो। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखेंगे, यह सवाल 17 सवाल है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस सवाल में से 17 में से मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कम से कम जरा ना तो कम से कम देखो 17 में से कम आपको ना पूछ ही देगा कम से कम 5 सवाल, ठीक है। 5 सवाल आपको फाइनल बोर्ड में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसको याद करो। देखिए सवाल है, वी आर नारायण ने किसी कहानी का, ठीक है, किसी कहानी का अनुवाद दिया है, क्या है, किस भाषा में क्या है? मतलब वी आर नारायण जी जो है वह किसी कहानी का अनुवाद किया है, लेकिन किस कहानी का अनुवाद किया है वो पूछा जा रहा है, हमको भाषा नहीं पूछा जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है वी आर नारायण जी जो थे वह किसी कहानी का जो है अनुवाद किए हैं, लेकिन किस कहानी का अनुवाद किए हैं हिंदी में, हिंदी में कहा जा रहा है। तो क्या याद रखना है, माइंड में बैठा के रखना है, दही वाली मंगम्मा, क्या होगा, दही वाली मंगम्मा जी जो कहानी है उसका अनुवाद किया था कौन, तो कौन क्या था, वी आर नारायण, किस भाषा में किए थे, तो हिंदी में। और यह भाषा जो पहले, मतलब दही वाली मंगम्मा जो है वह किस भाषा के भाषा में सबसे पहले लिखा गया था, तो वो भी याद रखना है कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, ठीक है, कन्नड़ आपको माइंड में बैठा के रखना, क्या होगा, कन्नड़। चलिए चलिए तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यह सब सवाल आपको फाइनल बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को क्यों नहीं लाइक कर, तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। इसी प्रकार का आपका ऑनलाइन क्लास होता रहेगा और आपको फाइनल बोर्ड में भी बैरर क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन अभी से ही करके रखो, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोग वीडियो को जाते जाते लाइक करके जाना और कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।